कैसे हो आप सभी? गुड। तो आपका यूकेजी कक्षा में स्वागत है। आज का विषय है हिंदी, चैप्टर 3 वर्णमाला, सेशन 18 और सेशन का नाम है व्यंजन। पिछले कुछ सेशन में हमने व्यंजन ही सीखे हैं। तो वो व्यंजन कौन कौन से सीखे थे? पहला था क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज और झ। तो आओ एक बार मेरे साथ यह व्यंजन दोहराओ, पढ़ो। क, ख, ग, घ, घ। इसका उच्चार नोज से होता है, हमारे नाक से होता है। घ, च, छ, ज और झ। तो देखो क वर्ग और च वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ, घ। और च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ, ञ। ये हमारे नाक से उच्चार होता है, इसलिए इसे नासिक कहते हैं। तो अब हम देखेंगे यह लिखते कैसे हैं। तो लिखने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यह बिल्कुल ञ जैसा है, घ जैसा है, कि इससे जैसे इससे कोई शब्द नहीं बनता, उसी तरह इससे कोई शब्द नहीं बनता। यह शब्दों के बीच अथवा अंत में आता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यह किस प्रकार लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 नीली रेखाएं दिख रही है, तो जो बीच वाली रेखा है उसके थोड़ा ऊपर से एक सर्कल बनाना है, बट यह सर्कल को थोड़ा सा क्रॉस ऊपर ले जाना है, बट ऊपर वाली नीली रेखा को टच नहीं करना है। उसके बाद हमें नीली रेखा, बीच वाली नीली रेखा पर एक बड़ी रेखा निकालनी है और एक खड़ी रेखा। ये हो गया हमारा ञ। क्या हो गया हमारा ञ? ओके, देखो किस तरह से लिखना है। यहां से ये थोड़ा ऊपर, फिर बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, ये हो गया ञ, ञ। एक, दो, तीन और चार, चार रेखाओं के अभ्यास से हमें यह लिखना है। ये हो गया हमारा ञ। कुछ इस तरह से ञ, ञ। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? यह छ वर्ग का व्यंजन है। छ वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? वर्ण च, छ, ज, झ और ञ। ओके, और क वर्ग में क, ख, ग, घ, घ। तो ये हमारा च वर्ग का आखिरी व्यंजन था। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका दिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका पन्ना नंबर 4545 खोलना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ञ ये वर्ण लिखा हुआ है, ञ। तो ञ को कैसे लिखते हैं, देखो, एक, दो, तीन और चार, चार रेखाओं के अभ्यास से। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ बिंदुएं दिखाई दे रही है, उन बिंदुओं को हमें क्या करना है, मिलाना है। देखो कुछ इस तरह से, एक, दो,
तीन, एक, दो, तीन, चार। इस तरह से बच्चों आपको आपका ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर सिर्फ बिंदुए हैं ऊपर, बट नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जहां पर नहीं दिया हुआ है वहां पर आपको आपके हाथों से लिखना है। अब बच्चों देखो अगला पन्ना क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अभ्यास। चित्रों को देखिए तथा शुरू के व्यंजन से मिलाइए। लुक एंड मैच द पिक्चर्स विद देयर फर्स्ट कंसोनेंट। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी जोड़ा हुआ है ज से जग। तो अब मुझे बताओ कि यह क्या है, झंडा। तो झ कहाँ है, यहाँ। तो हमें ये क्या करना है, क्या करना है हमें, यह झ से मिलाना है कुछ इस तरह। और ये क्या है, गमला। ग से गमला, छ से छत, और च से चरका। और क्या बच गया है अब, क। और ये क्या है, कलम। क से कलम, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ण पहचानिए और सही उच्चारण कीजिए। लुक एंड से। तो बच्चों बताओ ये कौन सा वर्ण है, क। मेरे साथ पढ़ो, क, च, घ, ग, झ, ज, घ, ञ, छ और ख। इसी तरह से बच्चों आपको भी यह पढ़ना है और यह दोनों पन्ने पूरे करने हैं। ओके, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।